हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दही से बने हुए आलू 65 की रेसिपी बताने वाली हूँ। और ये रेसिपी उन रेसिपियों में से जिन्हें देखते ही ना हमसे कंट्रोल नहीं होता, हमारे मुंह में इतना पानी आ जाता है कि कब हम इसे खाते हैं और इसका मजा लेते हैं। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर भी हो तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक भगोने में पानी को उबालने रखेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम दही का बैटर बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आधा कप दही है, ये लगभग वजन में 100 ग्राम इतनी होगी। सबसे पहले एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ ही में एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, पाव छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार और एक बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ धनिया डालकर इन्हें हम अच्छे से फेंट लेते हैं। मैंने यहाँ पे कश्मीर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि कम तीखी होती है और कलर भी ज़्यादा देती है। आप चाहो तो ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, दही हमारा अच्छे से फेंट कर रेडी है, सारे मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप एक बाउल में देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम आलू को छिलकर इस तरह से क्यूब में काट के लिया है और ये काले ना पड़े इसलिए मैंने इन्हें पानी में रखा है। तो चलिए पानी चेक कर लेते हैं जो कि हमने गर्म करने रखा था। तो पानी में भी उबाल आ गया है। तो अब करेंगे कि आलू जो है उन्हें हमें उबालना है तो इन्हें पानी से छान कर इस गर्म पानी में डाल देंगे। इन्हें मिला लेते हैं। आलू को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए, बट ध्यान रहे ये पक जाने चाहिए, मैशी नहीं होने चाहिए। चलिए आलू अच्छे से उबल गए तो चेक कर लेते हैं ये पके हैं कि नहीं। मेरे पास इस तरह का स्टिक है, आप चाहो तो इसे छुरी से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए आसानी से इंसर्ट हो रहा है, यानी कि ये पक गए हैं और इनका जो शेप है वो भी बरकरार है। तो इसी तरह के हमें आलू चाहिए, तो इन्हें अब हम पानी से छान कर निकाल लेते हैं। आलू जो है अभी काफ़ी गर्म है और ये जब गर्म है तभी हमें ये आगे की प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम पाव कप मैदा ऐड करेंगे और साथ ही में क्रिस्पीनेस के लिए एक बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अब तक हमने आलू को पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल नहीं किया था तो इसमें नमक स्वादानुसार डाल देते हैं और इसे मिला देते हैं। आलू गर्म होने की वजह से ही मैदा और जो चावल का आटा है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। हल्का सा हाथों में दो छोटे चम्मच के करीब पानी लेंगे और इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसकी एक अच्छी सी कोटिंग सारे आलू पर लग जाए इसका हम ध्यान देंगे। हमें हल्की सी कोटिंग चाहिए, एकदम मोटा मोटा आटा नहीं लगना चाहिए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है और हल्का सा टॉस भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलू पर इसकी एक हल्की सी कोटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल को जो है मैंने ऑलरेडी गर्म करने रखा था, थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बबल्स उठने लगे हैं, यानी कि तेल जो है अच्छा गर्म हो चुका है। तो सारे आलू को तेल में डालते जाएंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे यानी कि मध्यम आंच पे फ्राई करेंगे। इन्हें हमें लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे क्योंकि जब आप इसकी बाइट लोगे तो ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से आपको आलू का सॉफ्टनेस मिलेगा। इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसी तरह का कलर हमें चाहिए। तो ये देखिए इसके ऊपर की जो लेयर है वो अब क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने गैस पे सेम कढ़ाई ली है जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था। तो सारा तेल निकाल कर मैंने इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच इतना ही तेल छोड़ा है। आंच को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। तेल ऑलरेडी हमारा गर्म है और कढ़ाई भी हमारी ऑलरेडी गर्म है। तो चलिए फटाफट इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। 3 से 4 मेरे पास लाल सूखी मिर्च है जो कि मैं साबुत डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसे तोड़कर डाल सकते हैं, बट मुझे बस इसका फ्लेवर चाहिए, तीखापन नहीं चाहिए। और साथ ही में मेरे पास एक हरी मिर्च है जिसे मैंने इस तरह से बीच में से काट कर लिया है जो कि तीखापन देगी। इसी में हम एक बड़ा चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया लगता है आलू के साथ। अब हम इन्हें चला लेते हैं। लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना है या ना ही जलाना है,
इसे बस उतना ही फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसमें आधा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे, इसे भी हम चला लेते हैं। आप चाहो तो इसे क्यूब में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसे बारीक काट के लिया है। और साथ ही में मेरे पास आधा शिमला मिर्च है, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की कच्ची रहनी चाहिए हमारी सब्ज़ियाँ, तभी खाने में इनका जो क्रंचीनेस है काफ़ी बढ़िया लगता है। तो अब हम करेंगे कि गैस को धीमा करेंगे और हमने जो दही का बैटर बना के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे चला लेते हैं। दही को जो है हमें धीमे ही आंच पे डालना है। अगर आंच को हमने बड़ा रखा और फिर दही डाला तो होगा ये कि दही फट जाएगा और फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम धीमी आंच पे इसे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइड से तेल छूटने लगा है, दही भी अच्छे से पक गया है, हमने जो मसाले इसमें डाले थे वो भी अब अच्छे से पक गए हैं और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो फाइनली अब हम इसमें हमने जो फ्राइड करके आलू रखे हैं उन्हें डालेंगे और इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि दही की जो कोटिंग है हर एक आलू पे अच्छे से लग जानी चाहिए। इन्हें टॉस कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है ना। अब हम ऊपर से धनिया डालेंगे, आप चाहो तो स्प्रिंग ऑनियन भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बार मिला लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी दही आलू 65 बनकर रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी है। तो देखा ना फ्रेंड्स कितने टेम्पटिंग दही से बने हुए आलू 65 बने, खाने में इतने टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अब तक अपने रे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही में जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।